अनेक सिद्धियां देश के लिए प्राप्त करे, छोटे से बच्चे से लेकर 100 साल के वरिष्ठ नागरिक तक सबकी चिंता करे। चाहे गरीब हो, किसान हो, गांव में रहने वाली गरीब माता हो, या स्टार्टअप शुरू करने वाला युवा हो, हरेक की चिंता नरेंद्र मोदी जी ने। देश को हर क्षेत्र में आगे बनाया, पर मोदी जी ने सांसद के नाते अगर 542 सांसदों में स्पर्धा हो जाए तो और किसी का नंबर न लगे, ऐसे मेरे काशी शहर को बहुत अच्छे तरीके से विकसित करने का काम भी हमारे सांसद नरेंद्र मोदी ने। 50 बार काशी आए और जब भी आए तब कई प्रकार की सौगातें लाए, और आज मैं तो 2010 से काशी को देखता हूं, और आज जब काशी को देखता हूं तो मालूम पड़ता है काशी का तो सकल और सूरत दोनों बदल गया। बाबा का भव्य दरबार सजाकर 13 करोड़ से ज्यादा यात्री देश भर से यहाँ आए, इस प्रकार का आकर्षण खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी ने। भाई और बहनों, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर युवा खिलाड़ियों के लिए नया स्टेडियम, बनारस का नया रिंग रोड, बनारस के मार्गों को चौड़ा करना, और जो सारे बिजली के तार थे वो हटाकर अंडरग्राउंड कर बनारस को सुंदर करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने। माना जाता था आज मोदी जी के राज में और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद माफिया मुक्त पूर्वांचल बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं, मोदी जी ने काशी को गौरव दिलाने का काम किया है। बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर ने काशी के अर्थतंत्र को बदल कर रख दिया। सिर्फ 2100 स्क्वायर फीट में जो मंदिर था, आज 500,000 स्क्वायर फीट का कॉरिडोर करोड़ों दर्शकों को, करोड़ों श्रद्धालुओं को ही मंत्रित करता है। तब न केवल क्रिकेट, काशी के हर एथलीट के लिए, हर खिलाड़ी के लिए वहां ट्रेनिंग की, जिससे हर घर में पशुपालन बढ़ेगा। वाराणसी रेलवे स्टेशन नया बन रहा है, वाराणसी जंक्शन यार्ड भी नया बना, ट्रेड फैसिलिटी, 75,000 उद्योग छोटे मोटे होकर हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट काशी जिले में लाए, और 3 लाख लोगों को रोजगारी देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। एक ही जिले में, एक मत क्षेत्र में 93 अमृत सरोवरों का निर्माण और 43,000 व्यापारियों द्वारा डिजिटल इंडिया को सफल करने का काम